नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं 9 तारीख को जो ये अभी अभी जो नोटिफिकेशन निकली है पीजी एडमिशन नोटिस। तो ये जो नोटिस निकला है इसमें आपको ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि आप पीजी के लिए अप्लाई कर रहे हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एमए वगैरह, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन निकली है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। देखिए, वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट पीजी एडमिशन नोटिस का लिंक ही मैं आपको दे दूंगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि लॉन्ग वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको बोरिंग करती होगी, जैसे 1 मिनट 2 मिनट, इससे ज़्यादा तो मैं वैसे भी नहीं बनाता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं 1 मिनट में सारी वीडियो कवर करूँ, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। इसके लिए मैं कम्युनिटी पोस्ट डालूंगा, तो वहाँ पे आप पोलिंग बूथ पे आप मतलब पोल वहाँ पे अपना रिएक्ट दीजिए, सेलेक्ट कीजिए कुछ भी अपना ऑप्शन है जो भी, तो मैं उस हिसाब से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। अभी बात करते हैं पीजी एडमिशन नोटिस की, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं पीडीएफ को। ऑलरेडी मैंने डाउनलोड सेकंड टाइम फिर डाउनलोड करते हैं हम, और यहाँ पे पीडीएफ ओपन हो गया है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई गई है जो ये आज की डेट पे निकला है नोटिस, और यहाँ पे एचपीयू की इवनिंग स्टडी की तरफ से निकला है, डिपार्टमेंट ऑफ इवनिंग स्टडी। तो यहाँ पे क्या है कि सबमिशन ऑफ फॉर्म, मतलब 12 जुलाई से 20 जुलाई के बीच आपके जो फॉर्म है वो सबमिट होंगे, ठीक है। और आपको 1 तारीख को मेरिट लिस्ट लगेगी, मतलब 23, मतलब डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट मेरिट लिस्ट, मतलब पहली मेरिट लिस्ट लगेगी, सॉरी, वो 23 जुलाई को लगेगी 5:30 पे एएम पे, ठीक है। यहाँ पे पूरा शेड्यूल जारी किया गया है। एडमिशन एंड डिपॉजिट फीस, मतलब फीस आपको डिपॉजिट करनी है 23 और 24 जुलाई को, तो आपके पास फीस डिपॉजिट करने के सिर्फ 2 ही दिन होंगे। और फिर है डिस्प्ले ऑफ सेकेंड मेरिट लिस्ट, जो दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी वो 25 जुलाई को लगेगी, और एडमिशन एंड फीस डिपॉजिट जो होगी वो 25 और 27 जुलाई को होगी, ठीक है। फिर है उसके बाद है एडमिशन फॉर एमए एमकॉम थर्ड सेमेस्टर, इनकी 12 जुलाई से 27 जुलाई 2024 तक होगी, ठीक है। तो ये था एमए और एमकॉम का है, फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर का था, तो जो फर्स्ट सेमेस्टर तो अभी नया बैठेगा तो उन लोगों के लिए था ये, और थर्ड सेमेस्टर जो कि सेकेंड सेमेस्टर से पास हो चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से है। इसी तरह की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।